¡A Madrid! पिछले 3-4 दिन के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नंगे हो गए। प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है, अब भी नहीं बोले, चुपचाप रहते हैं। इंकलाब। मेरी जिंदगी भगवान के हाथ में है और अगर एक अरविंद मरेगा तो 100 अरविंद पैदा होंगे। मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, प्रधानमंत्री बनना हमारा मतलब नहीं है। हमारा मकसद है देश के भ्रष्टाचार, गरीबी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो। ये सारे के सारे मिलके देश को लूट रहे हैं। अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अरविंद, पूरा नाम अरविंद केजरीवाल, दुबले पतले सामान्य कदकाठी, सिर पर आम आदमी होने का ऐलान करती टोपी, देखने में पूरी तरह हिंदुस्तान के आम आदमी। लेकिन जब ये आम आदमी दहाड़ता है तो दिल्ली का तख्त हिलता है। जिस देश के प्रधानमंत्री के लिए उस देश की जनता खतरा बन जाए, मुझे लगता है कि फिर प्रधानमंत्री जनता का विश्वास खो चुके हैं। जब ये आम आदमी भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ता है तो पूरा देश टकटकी लगाकर सुनता है। रॉबर्ट वडेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी है। और जब ये आम आदमी टंके की चोट पर सफेद पोशों का सच सामने रखता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का हलक सूखने लगता है। कई लोग कहते हैं बहुत दुस्साहसी है, कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रचार के भूखे हैं, लेकिन आज तक किसी ने झूठा नहीं कहा। और यही अरविंद केजरीवाल की शायद ताकत है, जिसके साथ वो राजनीति की बेरहम रिवायतों को लड़ने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए आगे निकले हैं। मंजिल इन्होंने तय कर ली है, लेकिन राहगीर कैसा होगा, राहगीर कौन से लोग होंगे, राह कैसी होगी, ये शायद अभी तक तय नहीं है और यही मुश्किल है। हमारे पास कागज है, हमारे पास सबूत है, हम ये दिखाएंगे। 21वीं सदी के दूसरे दशक में देश को दीमक की तरह चाट जाने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई क्रांति का आगाज किया है। लाखों लोग इस क्रांति में उनके साथ हैं। हर दिन जैसे नया इम्तिहान, कभी सड़क पर आंदोलन तो कभी सड़क पर गुजरती रात। अरविंद केजरीवाल ने जिंदगी के लिए अलग रास्ता चुना, जहां अपने लिए कुछ नहीं है, आम आदमी की जंग है जो देश के लिए लड़ी जा रही है। किसी किसी ने जो प्रेरणा डाला महात्मा गांधी थे, उसी में ही उन्होंने आंदोलन करके देश को आजाद चलाया। बाकी वो जितने लोग थे कोई नहीं आया, तो यार किसी में भगवान की प्रेरणा है, उसी के साथ हो गया। अच्छा लगता है जब बोलते हैं और फिर लगता है कि देश के लिए कुछ कर रहा है, देश के लिए बोल रहा है, तो अच्छा लगता है। भ्रष्टाचार की मार से अकुलाई जनता केजरीवाल के साथ है, एक अच्छी खासी टीम उनके साथ है, तो परिवार भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फादर, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी अभी बहुत जरूरत है आजकल की सोसाइटी में। बेटा पुलकित पापा का दुलारा है, उसे गर्व है अपने पिता पर। हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं पापा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मतलब हमें पूरा प्राउड है। बेटे की नजरों में अरविंद एक क्रांतिवीर हैं, जो इस जंग के लिए अकेले काफी हैं। बेटे को यकीन है कि जीत पापा की ही होगी। मुझे भी लगता है हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पापा, मुझे लगता है पापा ये लड़ाई जीत जाएंगे और मतलब पूरा लोकपाल और वो सब ले आएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा। पापा में बहुत दम है। बेटा अरविंद केजरीवाल की क्रांति को सैल्यूट करता है तो लाडली हर्षिता थोड़ी जुदा है। अरविंद अपनी बेटी के लिए सिर्फ पिता हैं। जरा भी फुर्सत मिली तो बेटी की समस्याएं सुलझाने बैठ जाते हैं।
हाँ पापा जरूर निकालते हैं, जब भी डाउट्स वगैरह होते हैं या फिर कोचिंग सेंटर छोड़ने जाने देने जाना होता है तो पापा जाते हैं, पीटीए के लिए समय निकालते हैं। कोई ऐसे शिकायत नहीं, पापा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और हम पूरा साथ है। मूवी तो हम बहुत जाते हैं पापा के साथ, पापा ही बोलते हैं कि चलो। हर्षिता और पुलकित की दुनिया अपने पापा के इर्द गिर्द ही बसती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है उनकी पत्नी सुनीता के सामने। अरविंद केजरीवाल दुनिया भर में जागरूकता की लौ जला रहे हैं, लेकिन कम ही लोग जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी होना सुनीता के लिए कितना बड़ा दबाव है। लेकिन इस दबाव से आगे, इस दबाव से डरे बिना जिंदगी में इस मकाम को आगे ले जाना अगर अरविंद केजरीवाल की जरूरत थी तो कई मायनों में सुनीता की मजबूरी भी थी। आज अरविंद केजरीवाल का कमाल तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस कमाल को धैर्य के सांचे में बहुत मुश्किल से गढ़ा है सुनीता केजरीवाल ने। सुनीता हर कदम पर खुशी हो गम हो साथ रही हैं और धीरज के साथ साथ रही हैं। सुनीता केजरीवाल न सिर्फ घर संभालती हैं, बल्कि इस घर को चलाती भी हैं। उन्हीं की कमाई से ये घर चलता है। सुनीता जी भी रेवेन्यू सर्विस में है, उनकी वाइफ तो उनकी सैलरी से घर चल रहे थे। हाँ जी, उनकी सैलरी से घर चल रहा है। हम यही सोचते हैं कि हमारा घर जब एक सैलरी से चल सकता है तो ये लोग इतने बड़े बड़े घोटाले क्यों करते हैं, क्या साथ लेके जाएंगे। सुनीता IRS अधिकारी है, घर से लेकर दफ्तर तक सब इन्हें देखना होता है। पति को भ्रष्टाचार की लड़ाई से भला फुर्सत कहाँ। मुझे तो मजा आ रहा है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टाइम कितना दे पाते हैं हम घर वालों को? नहीं, वो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता, मुझे सारा कुछ मेरी माँ और वाइफ संभालते हैं। करीब 2 दशकों के साथ में सुनीता केजरीवाल ने अरविंद को अच्छी तरह जाना है, समझा है, खुद को उनके मुताबिक ढाला है, तो कहीं ना कहीं अरविंद को भी तराशा है। क्रांति के पथ पर चलते हुए जब भी अरविंद के पांव में मुश्किल के छाले पड़े, तब तब सुनीता ने उन छालों पर अपने प्यार का मरहम बड़े करीने से रखा। संघर्षों को बिना कुछ कहे सुने सुनीता अगर सब कुछ सहने की आदत नहीं डालती तो शायद अरविंद केजरीवाल अपरिचित दुनिया के ही हिस्सा बनकर रह जाते। लेकिन आलोचना हो या फिर बड़ाई हो, प्रशंसा हो, अखबारों के पहले पन्ने पर तस्वीरें हो, हमेशा सुनीता का साथ रहा, खुशी में भी मायूसी में। अरविंद का भरा पूरा परिवार है, सच्चाई और ईमानदारी ही उनकी पूंजी है। आम आदमी की बातें करते हैं तो रहन सहन और खान पान भी आम आदमी का ही है। सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अरविंद की जिंदगी में संस्कारों से आया है। पिता गोविंद राम केजरीवाल को पता था कि बेटा कुछ अलग करेगा, लेकिन इतना अलग करेगा इसका अंदाजा नहीं था। हमने तो नहीं कभी सोचा ऐसा, इतने बड़े हो जाएंगे। हम तो सिंपल लिविंग आई थिंक के आदमी थे, पता नहीं भगवान किस राह पे ले जाए, उसी पे छोड़ रखा था। हमने तो काफी सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। पिता को अपने संस्कारों और अपने खून पर नाज है, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। क्रांति की राह पर निकल पड़े कलेजे के टुकड़े के कारनामों से माँ की कोख धन्य होती है तो कभी कभी कलेजा कांप भी उठता है। इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो बचपन में भी इसकी विल पावर स्ट्रांग थी और अब भी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और बचपन से भी गरीबों से बहुत हमदर्दी ये सब, और अब देश के लिए ये सब कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। कभी डर लगता है? कभी कभी लगता है, जैसे सलमान खुर्शीद जी जैसे अपने बयान दे देते हैं इस टाइप के, तो फिर कभी कभी डर लगता है। माँ क्या करे, अपने जिद्दी बेटे को जानती है। बेटा जिस राह पर चल पड़ा है उसे रोक नहीं सकती, बस दुआ देती है। नहीं रोकते तो नहीं है, क्योंकि फ्री छोड़ा हुआ है और हमारे रोकने से रुकेगा भी नहीं। अरविंद केजरीवाल ने जिंदगी के लिए जो राह पकड़ी है उस पर चलना आसान नहीं है। राजनीति में फैले भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीति के मैदान में उतरने की ठानी है, जबकि मानते हैं कि उन्हें सियासत नहीं आती। जिसकी आदत नहीं हम लोगों को, ना तो हम नेता हैं, ना हमें राजनीति आती है, तो ये बिल्कुल नया रास्ता है। तो हम तो एक्टिविस्ट ही रहेंगे, हम तो जनता के जो अन्याय हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे। घर के लिए अरविंद के पास बहुत कम वक्त बचता है,
जितने भी वक्त रहते हैं वो पल पूरी तरह घर वालों के लिए ही होते हैं। पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। फिर सुबह होती है, अरविंद अपने काम पर निकल पड़ते हैं। आखिर कहां से लाते हैं अरविंद केजरीवाल इतनी ऊर्जा कि वो देश के बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ इस तरह के खुलासे करने का साहस दिखाते हैं। अरविंद कहते हैं कि चुपचाप सब कुछ सहने के खिलाफ जो उम्मीद उनके मन में है वही उन्हें ये साहस देती है। उनका ये कहना है कि उम्मीदें बोलती हैं और बोलने से ही देश दुनिया बदलती है। घर के बाहर अरविंद की अपनी दूसरी ही दुनिया है। क्रांति के रास्ते राजनीति में उतरे हैं लेकिन तैयारी पूरी है। इंजीनियर हैं तो तैयारी भी हाईटेक है। इरादा पक्का है, हौसला बुलंद है, मंजिल दूर है लेकिन ये कदम रुकने वाले नहीं है। ये है अरविंद केजरीवाल का दफ्तर। कौशाम्बी में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का दफ्तर। यहीं से तय होती है रणनीति, यहीं से तय होता है कि आगे क्या और कैसे करना है। केजरीवाल की टोपी पर भले ही लिखा हो कि मैं आम आदमी हूं लेकिन इस आम आदमी का दफ्तर बड़ा खास है। Get rid of this VIP culture in this country. Okay, VIPs के लिए अलग है, VIPs के लिए अलग है। So the challenge that कि मैं हूँ आम आदमी, and everyone should be aware कि मैं हूँ आम आदमी। ये आम आदमी भी खास हो गया है। देशी ही नहीं, विदेशी मीडिया भी उनके इंतजार में उनके दर पर खड़ा रहता है। दफ्तर में अरविंद से मिलने वालों का तांता लगा रहता है। कोई उन्हें देखने आता है, कोई उन्हें अपना टुकड़ा सुनाना चाहता है। तो किसी के पास है ऐसी खबर जिसका फांडा फोड़ वो अरविंद केजरीवाल से करवाना चाहता है। लेकिन अरविंद को पता है कि वक्त किसे देना है और किसके लिए उनके पास वक्त नहीं है। इन्होंने मैसेज दे दिया, मैं आ तो नहीं पाऊंगा लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मीडिया के तमाम लोग कई बार उनके दफ्तर के आगे घंटों इंतजार भी करते हैं। अरविंद को पता है कि भावुकता के साथ ये पूरी कहानी आगे नहीं जा सकती है। कई बार इसीलिए वो बेरहम भी हो जाते हैं। यही शायद उनका साहस भी है और यही उनकी सीमा भी। भ्रष्टाचार से जंग में अरविंद अब जनता के हीरो बन गए, खबरों की सुर्खियों में। अखबारों के फोटोग्राफर अलग अलग पोज में उनकी तस्वीरें उतारते हैं। अरविंद के लिए ये अटपटा तो है लेकिन उनकी मुहिम के लिए जरूरी भी है। अरविंद केजरीवाल का दफ्तर हाईटेक है, मीडिया रूम है जहां खबरों की सुर्खियां बाकायदा नोट होती है। आईएसी का कोई सदस्य प्रेस के सामने है तो बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग होती है। और खास तौर पे जब आदमी पब्लिसिटी के बीच में खड़ा रहता है, ये बल्ब और लाइट्स के बीच में खड़ा रहता है, तो फिर ये उसको एहसास रखना चाहिए यही पब्लिसिटी के वो गुलाम न बन जाए। अरविंद केजरीवाल ने दफ्तर में हर काम के लिए अलग टीम बना रखी है। अब जरा उनकी टीम और उनके कामकाज के तरीके भी जान लीजिए। भ्रष्टाचार और घोटाले के दस्तावेजों की पड़ताल और चयन के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनाई गई है। रिसर्च टीम को कोई भी मुद्दा सौंपे जाने से पहले उसे प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय सुनते या पढ़ते हैं। जिन आरोपों में जनता का व्यापक हित नजर आता है और पुख्ता सबूत मिलते हैं उन्हें रिसर्च टीम को सौंपा जाता है। टीम केजरीवाल में 6 पेशेवर स्वयंसेवी हैं जो इन दिनों दर्जन भर मुद्दों पर काम कर रहे हैं। केजरीवाल की इस रिसर्च टीम में हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक आईआईएम का गेस्ट लेक्चरर, एक आईआईटीएन, एक एडवोकेट, एक पत्रकार और एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट। ये टीम एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करती है जो अरविंद और उनकी कोर टीम के सामने रखी जाती है। कोर टीम ये तय करती है कि किस मामले का कैसे खुलासा करना है। राजनीति में उतरने के ऐलान के बाद टीम केजरीवाल ने पहला हल्ला बोला था प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया
क्यों दिया? डीएलएफ को इससे क्या फायदा हुआ? ये एक सोचने वाली बात है। आजकल एक भाई अपने भाई को लोन नहीं देता। लेकिन और ज्यादा मजे की बात यह है कि डीएलएफ ने उनको 65 करोड़ का लोन दिया और उस 65 करोड़ से उन्होंने डीएलएफ की ही प्रॉपर्टीज खरीदी। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के इस भंडाफोड़ को बीजेपी की साजिश बताया। कोई नई बात नहीं, एक साल से आरोप लगा रहे हैं। एक साल पहले एक न्यूज़पेपर में भी छपवाया गया था, उसके बाद किसी अखबार ने उसको नहीं लिया था क्योंकि उन आरोपों में कोई दम उन्हें नहीं मिला था। और अब इसके बाद जो है आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने इन लोगों के जरिए वहां इसको उठवा दिया। कांग्रेस के आरोपों को झुठलाते हुए अरविंद केजरीवाल ने 17 अक्टूबर को बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर हल्ला बोला। महाराष्ट्र के अंदर जो गडकरी साहब के बिजनेस हैं, वो विदर्भ के उन किसानों की कॉस्ट पे हो रहे हैं जो कि वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं। टीम केजरीवाल ने नितिन गडकरी पर भी आरोपों की बौछार कर दी, करोड़ों के घोटाले का आरोप मढ़ दिया। ये आया कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके लेकिन किसानों तक उसका पानी नहीं पहुंच रहा। ऐसे खुलासों से अरविंद केजरीवाल देश के मध्यम वर्ग का दिल जीतने की कोशिश हो। इन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पॉपुलर अपील की क्रांति होती है उसको उन्होंने उस क्रांति को इन्होंने एक माचिस के आग दिया। आग तो इनको लगा दी लेकिन बहुत बड़ा खतरा है कि आप रोज अगर फुलझड़ी छोड़ेंगे और उसमें 3-4 फुलझड़ी जो है या आतिशबाजी जो है ना फूटे तो बहुत जल्दी लोग हंसना भी शुरू कर देते हैं। एक बड़ा तबका अरविंद केजरीवाल को सत्ता के शीर्ष पर देखना चाहता है। यही वजह है कि उनकी तुलना राहुल गांधी से भी होती है। 44 साल के अरविंद केजरीवाल को अगर कोई युवा कहे तो शायद आप हजम ना कर पाए, लेकिन 42 साल के राहुल गांधी को लोग आज भी युवा ही मानते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है, सोच में या सच में? सोच और सच, यही वो दो शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल की पूरी शख्सियत खड़ी हुई और अब बड़ी हो रही है। अरविंद को सियासत में आने से पहले अपनों से जंग लड़नी पड़ी, अपने गुरु अन्ना हजारे की नाराजगी मोल लेनी पड़ी। अन्ना के तमाम समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल से किनारा कर लिया लेकिन अरविंद ने सियासत में आने की ठानी तो कायम भी रहे। देखिए अब देश में तानाशाही है, इसके खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारा सरोकार सीधे इस देश के लोगों के साथ है। ना बीजेपी वाले सबूत निकालते ना कांग्रेस वाले सबूत निकालते, कहते तुम सबूत निकालो, अरे सारी जांच एजेंसी तो तुम्हारे पास है। अब ये आंदोलन और तेज होगा। अरविंद केजरीवाल की ये बेखौफ शख्सियत यूं ही नहीं बनी, संघर्ष की आग में तपकर कुंदन बनने की दास्तान। अपना घर फूंक कर देश के लिए कुछ कर गुजरने की कहानी जो शुरू हुई थी तकरीबन 20 साल पहले। 1992 का वो ऐसा ही दिन था। 42 पन्नों की सूची में यूपीएससी के तमाम सफल उम्मीदवारों की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल का भी नाम था। कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने माना कि ये सम्मान का शिखर है उनके लिए, कई लोगों ने इसे मेहनत का इनाम बनाया, लेकिन 24 साल के इस नौजवान के लिए ये सिर्फ अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी थी। अगर अरविंद केजरीवाल ने भी अपने तमाम दोस्तों की ही तरह इसे मंजिल मान लिया होता तो आज उन्हें कौन जानता। 1985 में स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद अरविंद ने आईआईटी की तरफ रुख किया और 1989 में आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। उम्र उस मुकाम पर थी जहां सपने बड़ी तेजी से पंख लगाकर उड़ते हैं, लेकिन अरविंद ने अपने सपनों के लिए लक्ष्य बहुत पहले ही तय कर लिया था। यही वजह है कि टाटा स्टील जमशेदपुर में 3 साल बतौर असिस्टेंट इंजीनियर काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आ गए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। और जल्दी ही इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी भारतीय राजस्व सेवा के लिए चुने गए।
ट्रेनिंग के लिए अरविंद मसूरी गए तो वहां उनकी मुलाकात हुई सुनीता से। अरविंद की सादगी सुनीता को भा गई और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। और इस फैसले की खबर पहले अरविंद ने अपने घर पर दी। उन्होंने फोन पे बोला था कि मम्मी हमने एक लड़की पसंद की है, अगर आप बोलो तो। फिर हमने बोल दिया था हाँ, अगर लड़की ठीक है तो फिर हम एक बार देख के फाइनल कर देंगे। आपका क्या रहा था? हमने तो होटल के अंदर इंटरव्यू लिया था उनका। हमने एक ही क्वेश्चन पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड? उसने कहा यस सर, फॉर्मली आई बिलीव इन गॉड। बस ठीक है, उनको भगवान पे विश्वास है, हमारे ख्याल मिल गए। ट्रेनिंग के दौरान एक हुए दो दिलों ने एक ही रास्ता चुना था और दोनों को मंजिल भी एक ही मिली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अरविंद और सुनीता ने जिंदगी का सफर शुरू किया। लेकिन अरविंद की मंजिल कुछ और थी जो उनके तौर तरीकों में झलकती थी। अरविंद ऑफिस की टेबल खुद साफ करते थे, कचरा खुद उठाते थे और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने के बजाय किसी नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर बैठना उन्हें खूब भाता था। सिस्टम की बंदिशें और चलन अरविंद को रास नहीं आया। ऊपर से खामोश दिखने वाले सिस्टम के नीचे की हलचल को अरविंद ने करीब से देखा, भ्रष्टाचार देखा, आम आदमी को परेशान होते देखा, रिश्वत की सहूलियतों को देखा। अरविंद ने गुपचुप तरीके से लोगों की मदद करने का फैसला किया और परिवर्तन नाम से एक संस्था का गठन किया। जल्दी ही दिल्ली में परिवर्तन के पोस्टर दिखने लगे जिन पर लिखा होता था, क्या आप रिश्वत और भ्रष्टाचार की समस्या से परेशान हैं? अगर हाँ तो संपर्क करें परिवर्तन से। लेकिन 2005 आते आते अरविंद एक दोराहे पर खड़े थे। एक रास्ता वापस सरकारी नौकरी की ओर ले जाता था तो दूसरा समाज सेवा की तरफ। अरविंद ने फैसला लेने में जरा भी देर नहीं की और सरकारी नौकरी को एक झटके में छोड़ दिया। ये अपने आप होता गया, कोई ऐसा सोचा नहीं हुआ था कि जब IIT में गए तब ये नहीं सोचा था कि इसके बाद सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने हैं। और जब सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए तब ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन नौकरी छोड़ के ये करने लगेंगे। तो धीरे 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 अपने आप होता गया। 2006 में केजरीवाल दिल्ली में जब एक RTI जागरूकता अभियान चला रहे थे तो उन्हें एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि उन्हें एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाने वाला रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड अरविंद को दिया गया था सूचना के अधिकार की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए। भारतीय राजस्व सेवा IRS छोड़कर जब अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया कि वो परिवर्तन की शुरुआत करेंगे तो उनके अपने ही दोस्त थे जो उन पर हंस रहे थे कि आखिर क्या हासिल हो जाएगा। लेकिन आज वही दोस्त हैं जो उन पर नाज करते हैं और उनके तमाम खुलासों पर उनकी पीठ थपथपाते हैं। 38 साल की उम्र में मैग्सेसे अवार्ड यूं ही नहीं मिल जाता। सूचना का अधिकार देश में नई क्रांति लेकर आया। करोड़ों के घोटाले सामने आने लगे, बड़े बड़े नाम सलाखों के पीछे नजर आने लगे। लेकिन 2010 आते आते कई एक्टिविस्ट का कत्ल भी कर दिया गया। इन वारदात ने केजरीवाल को नया मकसद दे दिया। अरविंद अच्छी तरह समझ चुके थे कि जब तक कानून को मजबूती से लागू नहीं किया जाए, सिर्फ कानून बन जाने से कुछ नहीं हो सकता और मौजूदा व्यवस्था में ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल था। लिहाजा अरविंद निकल पड़े एक नई मुहिम पर और इस मुहिम का नाम था जन लोकपाल बिल। नई मुहिम में अरविंद को नए साथी मिले, पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, उनके बेटे और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, किरण बेदी, संतोष हेगड़े और अन्ना हजारे। एक टीम बनी इंडिया अगेंस्ट करप्शन जिसका मकसद था जन लोकपाल बिल पास कराना। आंदोलन की नींव रखी जा चुकी थी, बस इंतजार था तो शंखनाद का। इतिहास की दहलीज पर एक क्रांति दस्तक दे रही थी। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।
2010 में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल का मुद्दा उठाया। अन्ना की हुंकार और केजरीवाल की कोशिशों से लोकपाल का मुद्दा आम जनता का सरोकार बन गया। चार अप्रैल 2011 को अन्ना दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ गए और आंदोलन के सारथी बने अरविंद केजरीवाल। आंदोलन ने पैर पसारे तो आम जनता के सिर पर अन्ना के नाम की टोपी आ गई। लोगों की संख्या 100 से 1000 और 1000 से लाखों में बदलती चली गई। जंतर मंतर जैसे कोई तीर्थ बन गया, पर्यटन स्थल बन गया। महज 4 दिनों के अंदर सरकार घुटनों पर आ गई और मजबूत लोकपाल के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, हमने उनको क्लॉजेस बताए थे किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, किस तरह से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है और किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को 2 साल के लिए जेल में डालने की बात करता है। सरकार के नुमाइंदों और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टीम मेंबर्स के बीच कई राउंड बातचीत चली, लेकिन बात बनी नहीं। सरकारी लोकपाल बिल में राज्यों के कर्मचारियों, राज्यों के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में, लोकायुक्त बनाने के बारे में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने स्टैंडिंग कमेटी से ये निवेदन किया था कि इस पूरे के पूरे बिल को आप सरकार को वापस भेजिए। तो अगर वो उसके ऊपर जनता से सुझाव मांग रहे हैं तो मुझे लगता है, हमने उस दिन ये भी कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी और संसद इस सरकारी लोकपाल बिल के ऊपर बहस करके अपना समय बर्बाद ना करे। आंदोलन के रास्ते एक बार फिर जनता की अदालत की तरफ मुड़ गए और इस बार ऐलान हुआ आर पार की लड़ाई का। आंदोलन की तारीख रखी गई 16 अगस्त 2011। अन्ना इस बार आमरण अनशन का प्रण ले चुके थे। 16 अगस्त 2011 सुबह के 7:15 बजे अन्ना आमरण अनशन के लिए जैसे ही मयूर विहार से निकले, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मोर्चा केजरीवाल ने संभाला तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही लोगों को अन्ना और केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर लगी, हजारों लोग हाथों में तिरंगा और जुबान पर वंदे मातरम के नारे के साथ तिहाड़ जेल की ओर चल पड़े। अन्ना को यहीं जेल में रखा गया था। जनता के भारी दबाव के चलते सरकार एक बार फिर बैकफुट पर आई, 15 दिन के अनशन की इजाजत दे दी। अनशन शुरू हुआ तो सरकार के माथे पर फिर बल पड़ने लगे, राजनीति और कूटनीति के दांव चले जाने लगे और एक बार फिर अनशन खत्म हुआ सरकार के इस वादे के साथ कि संसद के आने वाले सत्र में लोकपाल बिल संसद में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जो बिल संसद में रखा गया उसका हश्र दुनिया ने देखा। नियत और निंदा के बीच सरकारी बिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अरे ये क्या कर रहे हैं? सरकारी वादों से हाथ जला चुके अन्ना केजरीवाल ने एक बार फिर अनशन का रास्ता चुना। 25 जुलाई 2012 एक बार फिर मंच सजा, लेकिन इस बार केजरीवाल अपने सहयोगियों मनीष सिसोदिया और गोपाल राय के साथ भूख हड़ताल पर बैठे, अन्ना उनके साथ रहे। 10 दिन बीत गए, केजरीवाल की हालत बुरी तरह बिगड़ रही थी, लिहाजा रणनीति बदल गई। केजरीवाल ने खुद राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। इसके पीछे साजिश है। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद आम जनता की बात तो दूर, अपने लोग ही दूर होते गए। मेरा कोई रोल नहीं है, मैं पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, शुरू से ये आइडिया में भी नहीं। केजरीवाल के सैद्धांतिक गुरु अन्ना ने भी केजरीवाल से किनारा कर लिया, यहाँ तक कि अन्ना ने केजरीवाल से अपना नाम और तस्वीर तक के इस्तेमाल से मना कर दिया। नहीं जाऊंगा, इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। इनफैक्ट पिछले 1.5-2 साल में जब से ये लोकपाल आंदोलन हुआ है तब से काफी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली अन्ना जी का साथ जो था उनके साथ तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला। अरविंद केजरीवाल की कहानी संभावनाओं और संघर्षों की एक अनंत कहानी है। कई बार आलोचना से घिरता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, लेकिन एक जिद्दी योद्धा जो आगे ही जाने की सोचता है। अरविंद हताश तो हुए लेकिन निराश नहीं, उन्होंने अकेले ही आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और 2 अक्टूबर को पूरी तरह राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को।
मैं अन्ना हूँ की टोपी मैं आम आदमी हूँ की टोपी में बदल गई। संघर्ष सड़कों तक पहुँच गया। अगर सारी दिल्ली इकट्ठी हो जाएगी तो शीला दीक्षित सरकार की हिम्मत नहीं है। बिजली बिल के मसले पर केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ खड़े हुए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा इस्तेमाल किया तो आज तक के ऑपरेशन धृतराष्ट्र के बाद केजरीवाल ने विकलांगों की आवाज बुलंद की। चुनाव 2014 में होने हैं लेकिन केजरीवाल के सामने वक्त कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा। कामयाबी और नाकामी से परे डर जगहंसाई का भी है क्योंकि अरविंद ने टक्कर उस व्यवस्था से ली है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उन जड़ों को हिलाने का आगाज अरविंद कर चुके हैं, अंजाम खुदा जाने। रात हो चुकी है, सुबह के घर से निकले अरविंद घर पहुंच चुके हैं लेकिन वर्षों की इस यात्रा में न जाने कितने घरों में पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। इस अविश्वसनीय यात्रा का अंत कैसे होगा ये शायद खुद अरविंद भी नहीं जानते हैं लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि संघर्ष की इसी जमीन से संभावनाओं की एक नई यात्रा शुरू होगी और उसी से निकलेंगे हिंदुस्तान के नए नायक। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है लेकिन सत्ता के गलियारों में इसे उनकी महत्वाकांक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। देश में धरती पकड़ नेता बनना चाहता है, धरती पकड़ और बदतमीज की तरह बात करता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, प्रधानमंत्री बनना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है देश से भ्रष्टाचार, गरीबी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होनी चाहिए। अरविंद सियासत में आए हैं तो जाहिर तौर पर वो राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने तो उनसे 27 सवाल पूछ डाले हैं। अन्ना हजारे जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह पागल हो गया, बाबा रामदेव ने कह दिया दिग्विजय सिंह पागल हो गया और केजरीवाल जी भी अब कहेंगे कि मुझे उसका उत्तर नहीं देना। हमसे जब प्रश्न पूछें तो हमसे उम्मीद करते हैं उत्तर दें और हम जब प्रश्न पूछते तो उत्तर क्यों नहीं देते। कांग्रेस ही नहीं बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा को सवालों के घेरे में लिया है, यही नहीं उनकी हंसी भी उड़ाई है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत प्रयासरत थे, प्रयत्न कर करके कोशिश कर करके कुछ निकालने की कोशिश में थे लेकिन बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर नहीं लगा सके। और मैं ऐसी बातों इतने चिल्लर बातों को कोई महत्व नहीं। बाहर की तो बात छोड़िए, जिन अन्ना हजारे के साथ अरविंद ने अपनी ये पारी शुरू की उन्हीं की टीम के लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है साफ साफ हमारे में कई लोगों को लग रहा है कि नहीं पक्ष और पार्टी निभाना चाहिए, तो ये दूसरा रूट शुरू हो गया पक्ष और पार्टी का। तो मैं पहले से ही बताया कि मैं किसी पक्ष पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप लोगों को लड़ना है लड़िए। अन्ना में नहीं बदलाव आया लेकिन अरविंद की सोच में बदलाव आया पिछले 1.5 साल में। किस टाइप का बदलाव? पार्टी की तरफ। अरविंद केजरीवाल अगर अपने समर्थकों के बलबूते सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं तो शायद वो मुगालते में, क्योंकि भीड़ को वोट में तब्दील करना आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल की शख्सियत से कई लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन लोग निराश नहीं हैं। अब ये उनकी राजनीति का रास्ता तय करेगा कि अल्पकाल के सैकड़ों नायकों की तरह वो गुम हो जाएंगे या फिर सोच की एक नई उच्चतम स्तर को वो छुएंगे इस देश।